न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि हाल ही में पारित कृषि कानून के खिलाफ हो रहे किसान आंदोलन को खालिस्तान तत्व हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें, रविवार को सिंधु बॉर्डर पर कुछ लोगों द्वारा कांग्रेस नेता के साथ की गई हाथापाई और कड़े विरोध के बाद उनकी ये टिप्पणी सामने आई है। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि हम खालिस्तानी झंडे और नारे लगाने वालों से भयभीत नहीं होंगे, वो तथाकथित नक्सली खालिस्तानी या 2020 के लोग हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि उपद्रवी लोगों को किसान आंदोलन स्थल पर खालिस्तान झंडा लहराने और फहराने के लिए 1,80,00,000 रुपए ऑफर कर रहे हैं। गौरतलब है कि जब ये बात सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में कही तो कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि सरकार किसानों का अपमान कर रही है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी मामले में दो तरफा खेलने का भी प्रयास कर रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि किसान अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, ये लोग हमारे अपने हैं, हम अपने किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं। बता दें, कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने पहले हिंसक धमकी देकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये सोचते हैं कि हम कुछ समय बाद थक जाएंगे और अपने धरने को छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, हम लाशों को का ढेर लगा देंगे, हम अपना खून भी बहा देंगे, हमें इसके लिए कोई रोक भी नहीं सकता, किसी भी हद तक जा सकते हैं। वह इसके अलावा कांग्रेस नेता ने कृषि कानून के बारे में फर्जी खबर भी फैलाई थी। ये दावा किया गया था कि रिलायंस, गूगल और व्हाट्सएप बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदने और किसानों का शोषण करने के लिए इसे जमा करने के लिए रखा गया है। नेता विपक्ष मुकेश ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के प्रबंधन की गूंज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई की गई है। बीते रोज दोनों अदालत में कोरोना के केस गहराने का मसला भी चर्चा में आया है, लेकिन जयराम सरकार लीपा पोती कर रही है। वही मुकेश ने आगे कहा कि जब विपक्ष इस मुद्दे को उठा रही थी तो सरकार उल्टा विपक्ष को ही कोसने में क्यों लगी हुई थी, जबकि कांग्रेस को जनता की परवाह नहीं है, तब विपक्ष आवाज उठा रही है। मुकेश ने कहा कि काफी मसलों पर अदालत ने फैसला लिया है, प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोज कोरोना की मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, सरकार ने उस समय पर एक्ट लिया होता तो आज ऐसा नहीं होता। भाजपा सरकार के मंत्रियों के बयान पर पलटवार करते हुए मुकेश ने कहा कि मेरे नेता पक्ष विपक्ष जो अधिसूचना रद्दी करने की मांग कर रहे हैं वो आज कर दो, ज्यादा समय मत लो। मैं अगर नेता विपक्ष हूँ तो अपने कांग्रेस विधायकों की ओर से हाईकमान के नाते हूँ, विपक्ष कभी सरकार का स्तुति नहीं करेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे लाइक शेयर ना भूलें और YouTube पे हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।